darle sabor. I'm doing excellent, thank you for asking. Always ready and here to assist you. How are you doing today? Jarvis, help me to create a Python code for speech to text. Here's a basic Python script for speech to text functionality using the speech underscore recognition library. Hello and welcome back to another video guys, और in this video हम करने वाले हैं अपना speech to text function का use और chat GPT को करेंगे automate, ठीक है। front end में कर रहे हैं because back end में कई बार क्या होता है कि आप use तो करते हो but कई बार glitches हो जाते हैं। desktop पे जल्दी से एक folder create कर लो, आप अपने हिसाब से इसका नाम जो भी रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। हमेशा मैं VS Code का help कर लेता हूँ but guys this arise AI error, right? तो अब cursor का use करना start कर दो, ठीक है। तो इसे मैं जल्दी से open करूँगा cursor की help से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे और उस फाइल को आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, बट उससे पहले हम एक चीज़ और करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे main.py लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आप जाओ अपने टर्मिनल वाले सेक्शन में, न्यू में क्लिक करो, और हम सबसे पहले अपना पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे पाइथन स्पेस पाइथन एम वी ई एन वी स्पेस माई ई एन वी ऑल्सो ओके। तो यहाँ पे अभी मैं जल्दी से यस पे क्लिक करूँगा और वेट करूँगा कि ये मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे। ऑल्सो गाइज, जिस भी वीडियो का आपको सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको वो कंप्लीट कोड मिल जाएगा अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखना चाहते तो, और एल्स अगर आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको कोड ऑलरेडी सामने से आप देखकर उसे राइट कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इजी आई होप। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो बेसिकली क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने कोड को लिखना, और मैं एक एक करके कोड नहीं लिखना चाहता इसलिए मैंने डायरेक्ट कोड आपको लिख के दिखा दिया है। और मैं अभी यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूँगा, आप भी क्रिएट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखिए requirement.txt, जहाँ पे हम बेसिकली जितने भी पैकेज का यूज़ करने वाले हैं वो लिखने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोड नहीं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो सेलेनियम, उसके बाद आपको लिखना है आपका वेब ड्राइवर मैनेजर, ओके। एंड थर्ड नंबर पे आप लिख सकते हो पाई ऑटो GUI, जिसके हेल्प से हम उसे राइट करा के और एंटर बटन प्रेस कर रहे हैं बेसिकली, सो दैट आप चैट GPT को ऐसे वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर पाओ, ओके। ऑल राइट, तो अभी आप इसको जब रन करोगे तो आपको पहला एरर आएगा मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक है, सेलेनियम की हेल्प से। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल -r venv स्पेस माई ENV, या फिर आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो भी नाम रखना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पे requirement.txt लिख सकते हो। सॉरी, मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर रहा, बेसिकली मैं -r requirement.txt को जितने भी मैंने अभी पैकेज लिखे हैं उसे मैं यहाँ से इंस्टॉल कर रहा हूँ, ओके। ये पैकेज बेसिकली जो मैंने इस कोड के अंदर यूज़ किए हैं उसके लिए है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, ओके। जैसे ही ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा आपके जो सारे रस्ते कोड के अंदर से वो चले जाएंगे, बट आप कोड कैसे लिखोगे, जिन लोगों को कोड वीडियो से लिखना है मैं उनके लिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले अब मैं कोड को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने कोड लिखा है, जो आप चाहो तो स्टार्टिंग से भी देख सकते हो। देखो, सबसे पहले हमने इम्पोर्ट किया है, एक स्क्रीन शॉट लेके आप यहाँ पर लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करो लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, मैं सेक्शन वाइज समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने सेलेनियम के बेसिक मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट किया, पाई ऑटो GUI को किया ताकि मैं अपना राइट करा सकूं। डेफ ओपन चैट GPT का एक वेबसाइट है उसे ओपन कराया, कलर वाला आप अवॉइड करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। और यहाँ पे मैंने पाथ डिसाइड किया, और ये हमारी पहली सी एक वेबसाइट है, आप देख सकते हो वेबसाइट का URL। इस वेबसाइट पर हम विजिट करके हमारा स्पीच टू टेक्स्ट हेडलेस मोड पर चला रहे हैं, और ताकि हम उसे बैकएंड के थ्रू एक्सेस कर सकें, ओके। अभी आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे हमने स्पीच रिकॉग्निशन किया है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमने स्पीच रिकॉग्निशन का एक जो फंक्शन होता है वो हमने डेवलप किया है, और ड्राइवर की हेल्प से हम उसे गेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ID है स्टार्ट बटन और आउटपुट रिकॉग्नाइज टेक्स्ट 0 किया है, और यहाँ पे देख सकते हो कि वाइल ट्रू लगा के ये चेक किया है कि उसके अंदर जब तक टेक्स्ट आए उस टेक्स्ट को
लाइन बाई लाइन वर्ड टू वर्ड रिकॉग्नाइज करो जब तक कि फाइनल टेक्स्ट रेडी ना हो जाए। और जैसे ही ये पूरा फाइनल टेक्स्ट आपका रेडी हो जाए बेसिकली उसे वहाँ से स्क्रिप करो और पेस्ट कर दो। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्लिप टाइम डाला है ताकि अच्छे तरीके से वो मैनेज हो सके। यहाँ पे हमने सिर्फ वेबसाइट को विजिट किया है, जो भी रिजल्ट रिकॉग्नाइजेशन से आ रहा है उसे हम रिजल्ट पे सेव कर रहे हैं। और उसमें अगर जार्विस नाम का कीवर्ड डिटेक्ट हो रहा है तो हम यूआई की हेल्प से उसे राइट करा रहे हैं और स्लिप करा के एंटर करा रहे हैं। ओके, तो अभी हमारा काम हो चुका है कंप्लीट कोड का, अभी आप इसे रन कर सकते हो। बट उससे पहले आपको एक छोटा सा काम और करना होगा। आप अपने क्रोम पे जाइए और अपनी जिस भी आईडी हुई या फिर आप कह सकते हो कि डिफ़ॉल्टली जो भी आपका ब्राउज़र है उस पे जाइए। वहाँ पर आपको एक चीज़ टाइप करनी है, वो है वॉइस वे फॉर चैट जीपीटी। ये क्रोम एक्सटेंशन है बेसिकली, बट इसका जो कहना चाहिए स्पीच टू टेक्स्ट है वो बहुत ही ख़राब है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और बहुत ही बेकार करता है। बट हाँ, जो ऑटो स्पीक का फंक्शन है वो आप यहाँ से देख सकते हो इजीली, और आप अलग 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 TTS वॉइस भी कर सकते हो। एंड आई होप मुझे ये बेसिक चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, इसे ऐड कर लेना आप, ठीक है। बस आपको इसे रन करना है। रन करने के बाद अभी एक मैजिक होगा जो कि आपने डेमो में भी देखा होगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो चैट GPT है वो ओपन हो चुका है। एंड टाइम फॉर डेमो। हे जार्विस, हाउ आर यू? I'm doing excellent, thank you for asking. Always ready and here to assist you. How are you doing today? Jarvis, help me to create a Python code for speech to text. Here's a basic Python script for speech to text functionality using the speech underscore recognition library. This library is easy to use and supports various speech recognition engines. Steps to set up. Install the required library. BA. Here's a basic Python script for speech-to-text functionality using the speech underscore recognition library.